साथियों, आज देश 75 साल हुआ आजादी का जश्न मना रहे हैं। 75 साल बहुत लंबी समय होती है, काफी बड़ी समय होती है। इसमें दो जनरेशन खत्म होकर तीसरा जनरेशन का जीवन चलता रहता है, ऐसा एक स्थिति है। हमारे साथ, हमारे से थोड़े पहले, कुछ समय पहले और हमारे से कुछ समय बाद कई राज्यों को इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिला। उनके तरफ देखे तो कहानी कुछ अलग है, हमारा भारत का कुछ कहानी अलग है। मैं दो चार शब्द ही कहूंगा, कल परसों पे हम लोग मिल लेंगे, आज आपको रेस्ट भी लेना है, इतने दूर से आए हैं, हम पूरी बातें तफसील में बात कर लेंगे। लेकिन इतना तो कहना चाहूंगा जरूर कि इस देश में संपत्ति है अमेरिका से भी ज्यादा, चाइना से भी ज्यादा, दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा। ये बिना किसी शक के मैं कह सकता हूं। मैं भी 50 साल से राजनीति में हूं, मैं एमएलए था, एमपी था, मंत्री था, केंद्रीय मंत्री था, चीफ मिनिस्टर भी हूं, कई चीज मैंने देख चुका है, अध्ययन भी कर चुका है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संपत्ति इतनी है कि अमेरिका से भी ज्यादा, चीन से भी ज्यादा हमारे पास संपत्ति है। लेकिन आज दुनिया में अमेरिका की जगह क्या है, चीन की जगह क्या है और हमारा इंडिया का जगह क्या है, बस एक बात से हम सब कुछ समझ सकते हैं। उड़ीसा से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, दक्षिण में हमारे कहीं अन्य राज्य से, कर्नाटक से हो, कहीं से भी हो, भारत के युवा अमेरिका जाने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्यों? अमेरिका में हमारा कोई युवा जाता है और उनको वहां ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उनके मां बाप यहां इर्द गिर्द के लोगों को बुला के दावत दे रहे हैं, भाई हमारे बच्चे को ग्रीन कार्ड मिल गया। ये किस चीज का ये एग्जाम्पल है? ये चीज क्या बताता है हमें? हमारा किसी लड़का को, हमारे भारत का किसी युवा को अमेरिका का अगर ग्रीन कार्ड मिला, हम उसको इतना मान्यवर समझ रहे हैं कि यहां हम दावत मना रहे, यानी कि हम कहां हैं? इस एक चीज से सब कुछ हम समझ सकते हैं। सब कुछ रखते हुए भी देश के जनता अपनी संपत्ति से क्यों वंचित है, इस बात पे हमें सोचना चाहिए। पीने का पानी भी नहीं दिया जा सकता देश में 75 साल के बाद, सिंचाई के लिए, खेती के लिए किसानों को पानी भी नहीं दिया जा सकता, बिजली भी नहीं दिया जा सकता, ये क्या बेहाल स्थिति है? कितनी सभाएं हम देख रहे हैं, कितनी भाषण सुन रहे हैं, कितने नेता एमएलए बने, एमपी बने, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, कितने सरकारें बदले, कितने रंगों के रंग बिरंगे झंडे भी हमने देखे, लेकिन किसानों का, गरीबों का हालत तो नहीं बदला। सरकारें बदले, नेते बदले, इसका कारण क्या है? इस पर सोचने की बात है। इसका कारण यही है, जब चुनाव होता है हमारे देश में, चुनाव में नेता जीत रहे, पार्टी जीत रहे, चुनाव के बाद जनता हार रही है। हिंदुस्तान की राजनीति में गंभीर परिवर्तन की जरूरत है कि चुनाव में नेता और पार्टी नहीं, जनता जीते, बाद में चुनाव के बाद जनता की जीत होना चाहिए। वो लोकतंत्र है, वो लोकशाही है, उसी का नाम सही लोकतंत्र है। इस सही लोकतंत्र को कई षड्यंत्रियों ने, जो राजनीतिक षड्यंत्री है, तोड़ मरोड़ के, गोल घुमा के, नारेबाजी में अपने सत्ता के लिए कितनी बातें कह चुके हैं, कितने वायदे कर चुके हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारे सामने है।
मैं दूसरा एक बात और भी कहना चाहूंगा आप सभी से, मैं एक सवाल भी करना चाहूंगा। ये मुझे मनोमन में मुझे भी ये सवाल खाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कमम के सभा में मैंने यही सवाल पूछा था, आज अपने देश का कोई लक्ष्य है, भारत का कोई लक्ष्य है, आज अपने देश का लक्ष्य क्या है? अपना देश अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह हो गया है। आज के नेताओं का, आज के पार्टियों का सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य बन गया है। कुछ करो चुनाव जीतो, दंगे कराओ, फसाद कराओ, फूट डालो, समाज को तोड़ो फोड़ो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कई अन्य प्रकार से समाज को विभाजन करो, अपना काम निकालो, बस चुनाव जीत जाओ। चुनाव अगर जीतते हैं, कोई पार्टी जीतता है, किस लिए लेता है? चुनाव जीतने का लक्ष्य क्या होता है? पार्टी बनने का भी लक्ष्य क्या होता है? जनता का सेवा करना चाहिए, देश का उन्नति करना चाहिए, देश का उद्धार होना चाहिए। भाइयों, मैं एक बात कहता हूं, ओडिशा के महानदी में कितने पानी है? ओडिशा के महानदी में कितना पानी है? हमारे जरूरत से ज्यादा पानी है। ओडिशा यूज करता है कितना? 25% 30% हम यूज करते हैं, बाकी 50 साल से बह रहे हैं समंदर में। हमें पीने का पानी नहीं है? महानदी के अलावा ब्राह्मणी भी है, वैतरणी भी है, छोटे मोटे कई अन्य नदियां भी है। जा तो कहां जा रहा है पानी? ये पानी हमारे घर में नल के रूप में क्यों नहीं आ रहा है? पीने के पानी का किल्लत होना चाहिए कि ओडिशा में या देश के किसी अन्य राज्य में? 75 साल में आप इतनी लंबी लंबी भाषण देके, लंबी लंबी आश्वासन देके, कम से कम पीने का पानी नहीं देने के लायक नहीं है। ना पानी का पानी मिलता है, ना करंट मिलता है, फिर क्या मिलता है? भाषण मिलता है? बेरोजगार युवा फिर रहे, करोड़ों युवा किसान आंदोलन करते हैं, क्यों? किसान को 13-13 महीने देश के राजधानी में दिल्ली में आंदोलन करना पड़ता है। ये किसी देश में संभव है? सिर्फ भारत में 13-13 महीने शर्म करने की बात है। आखिरकार हुआ क्या है? 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, उसका नतीजा जीरो, एक भी समाधान नहीं मिला, एक भी समस्या नहीं सुलझा। कम से कम आज तक केंद्र सरकार से एक भी आश्वासन नहीं मिला कि देश के जनता का, देश के किसानों का, देश के गरीबों का इतना मजाक उड़ाया जा सकता है? ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये तो खिलवाड़ है जनता के साथ, किसान के साथ।